राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की जीत पर मना जश्न। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी रामनाथ कोविंद के जीत पर पूरे देश में जश्न का माहौल रहा। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना में रामनाथ कोविंद को 65% वोट मिले, जबकि विपक्ष उम्मीदवार मीरा कुमार को 35% ही वोट मिले। इस पल को पूर्णिया सदर विधायक विजय खेमका और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न के रूप में मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया। विधायक विजय खेमका ने इस अवसर पर कटिहार मोड़ खुबसी बाग में कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भी किया और आगे की रणनीति पर चर्चा की। देश के राष्ट्रपति 14वें राष्ट्रपति बने हैं, इसके लिए क्या कहता है, आप विधायक हैं, आप भी वोटिंग किए विधानसभा में, इसके लिए देश की जनता के प्रति और पूर्णिया जनता प्रति किस तरह का संदेश है? देखिए, सबसे पहले तो आज जो निर्वाचन हुआ, जो देश के 14वें राष्ट्रपति, जो देश के प्रथम नागरिक अपने रामनाथ कोविंद जी जो एनडीए के उम्मीदवार रहे और अन्य दलों का भी उनको भारी समर्थन मिला, 7,02,000 समथिंग वोट से वो आज विजय हुए हैं। और उनके इस विजय उत्सव पर, उनके विजय पर मैं पूर्णिया की जनता की ओर से अपने रामनाथ कोविंद जी जो देश के प्रथम नागरिक हैं और देश के 14वें राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए हैं, 25 जुलाई को शपथ ग्रहण करेंगे, ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे चर्चित परिचित महादलित परिवार से आए हुए कर्मयोगी, कर्मशील, शिक्षित और मेहनती जो अपने कर्म के बल तक वहाँ तक पहुँचे हैं, ऐसे व्यक्तित्व को मैं बधाई देता हूँ और उनके सफल कार्य, जीवन के सफल कार्य के लिए, राष्ट्रपति पद के सफलतम कार्य के लिए उनको पूर्णिया की जनता की ओर से और मेरी ओर से भी मैं उनको शत शत बधाई देता हूँ। दूसरा सवाल है कि आप पहली बार विधानसभा पहुंचे और कहिए, संजोग कहिए कि आप पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में वोट दिए और भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार को और वो विजयी हुए, कैसा महसूस कर रहे थे जब आप पहली बार विधानसभा के अंदर में राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग कर रहे थे? देखिए, पूर्णिया विधानसभा की तमाम जनता का मैं आभारी हूँ जिन्होंने मुझे विधानसभा भेजने का काम किया, मुझे आशीर्वाद दिया और तब मैं आज जाकर के 14वें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, ऐसे उम्मीदवार को मुझे मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। और जब मैं पहली दफ़ा विधानसभा पहुंचा और पहली दफ़ा मुझे मौका मिला तो मुझे बड़ा हर्ष हुआ और वहीं से मैंने मन ही मन अपने हृदय की भावना से पूर्णिया की तमाम जनता को और पूर्णिया जिला की भी जनता को और सीमांचल की भी जनता को, इसलिए कि पूर्णिया सीमांचल की हृदय स्थली है, पूर्णिया जिला की हृदय स्थली है और इस जिला के मुख्यालय का मैं विधायक हूँ, इस नाते मैंने उनका लख लख आभार व्यक्त किया कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाकर भेजा कि मैं अपने मत का उपयोग, प्रयोग ऐसे धनी व्यक्ति, कर्म के धनी व्यक्ति और सारे दलों की भावना से ऊपर उठ करके, जो कि बिहार के गवर्नर भी रहे, जो संवैधानिक पद पर रह करके संविधान की रक्षा करने में सदैव लगे रहे, ऐसे व्यक्तित्व को मैंने मत उस दिन विधानसभा परिसर में देने का काम किया। आज की जो बैठक है वो वृक्षारोपण और रक्तदान के लेके था, उस पर आपने क्या कहता, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया, इसमें क्या कि भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में, प्रदेश में, पूर्णिया जिला में, पूर्णिया विधानसभा में जनसंपर्क महाअभियान कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के तहत हमारे पार्टी के नेता, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष और शक्ति केंद्र के प्रभारी, चाहे सांसद हो, विधायक हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी हो, चाहे हमारे केंद्रीय मंत्री हो, सब एक एक बूथ पर जा करके संगठन का विस्तार करना, जनसंपर्क करना और वहाँ गोष्ठी करके, चौपाल लगा करके लोगों से उनकी समस्या को सुनना, सुन के कैसे समाधान होगा, ये अभियान चल रहा है। इसी अभियान के तहत वृक्षारोपण का भी काम चल रहा है। एक वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण संतुलन के लिए, पर्यावरण सुरक्षा के लिए हम हर घर में फलदार वृक्ष लगाने का काम कर रहे हैं और मेरा भी अभियान लगातार जारी है। परसों में जो है बक्सा घाट की ओर, रहमत नगर की ओर था, कल में जो है सिकंदरपुर की ओर था, कल रामपुर की ओर था, कल जो है सिटी की ओर मेरा कार्यक्रम है, वृक्षारोपण का कार्यक्रम हमारा चल रहा है परिवहन सुरक्षा के लिए। और 26 जुलाई जो आने वाला है, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में और पूर्णिया में मना रही है। उस दिन कारगिल फतह हुआ था, हमारे शहीद सेना, हमारी सेना जो है वो शहीद हुई थी,
तो ये निर्णय लिया गया कि जो जरूरतमंद है उसको कैसे हम जीवन दे सकें, तो रक्तदान जीवन दान हम रक्त देने का कार्यक्रम बनाए हैं और पूर्णिया में भी हमारे कैंप लगेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम जनता को ये आह्वान भी करना चाहता हूँ, खासकर नौजवानों को, कि आप साल में 3 बार रक्त दें। रक्तदान जीवन दान है, जो जरूरतमंद लोग हैं उनको रक्त की आवश्यकता है, अगर आप रक्त देंगे तो उनको जीवन मिलेगा। इसीलिए 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के दिन आप रक्त देकर अपने को विजयी बनाओ। और एक तीसरा कार्यक्रम हमारा चल रहा है कि युवाओं का मतदाता सूची में नाम हो। 22 तारीख को हर व्यक्ति जिनका कि जो 18 साल के हो गए हैं, मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है, वो बूथ पर जा करके अपना फॉर्म भरें। BLO वहाँ पर रहेंगे, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन के लोग उसमें सहयोग करेंगे। हर युवा को देश के मतदाता सूची में अपना नाम लिखाना चाहिए और उसके लिए हम सतत प्रयत्नशील हैं और मैं भी उस दिशा में